हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल यूपी पूनम ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अंडा कढ़ी की रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब कि अंडे की मैं पनीर जैसी सब्जी बनाऊंगी, वो भी अलग तरीके से। तो देखिए, इसके लिए ऐसे एक फ्राई पैन में पानी ले लेना है, किसी भी जैसे कढ़ाई में भी आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसे पानी को बॉयल होने देंगे और इसको ऐसे ढक देंगे, तो जल्दी से पानी खौलने लगेगा। और इधर एक कटोरे में अंडे को ऐसे तोड़ लेना है। जितने भी अंडे की आपको सब्जी बनानी है उसको ऐसे तोड़ लेंगे। नहीं जी, ये ना बच्चे हैं, अंडा नहीं बनाएंगे। इतनी सी बस तो चाट। अब इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है। तोड़ने के बाद इसको एकदम अच्छे से मिला लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। थोड़ा ही डालना है क्योंकि ग्रेवी में भी डालना रहेगा। पानी जब खौलने लगेगा तभी उसमें देखिए पानी खौलने लगा है। अब इसमें मैं इस कटोरे को रख दूंगी। इसको ऐसे ढक देना है। ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको पकाना है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए, हमारा ये अंडा अच्छे से उबल चुका है और इसको ऐसे मतलब चाकू या चम्मच से ऐसे इसको डाल के देखेंगे, उसमें अगर लगेगा नहीं तो समझ लीजिए वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, पक गया है। अब इसको किसी बर्तन में थाली में निकाल लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लेंगे पनीर के जैसा। देखिए, उस वो जब ठंडा हो गया है तो उसको इस तरह से निकाल कर पनीर की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको काट ली हूँ। और काटने के बाद अब मैं इसको तलूँगी। तो तलने के लिए यहाँ पर कढ़ाई को मैं रख दी हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब मैं उसमें तेल डाल दी हूँ। जब ये तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं उसको इस अंडे को उसमें फ्राई करूँगी। और इधर ग्रेवी बनाने के लिए मैं कुकर को भी रख दी हूँ। कुकर मेरा गर्म हो रहा है और अब मैं इसमें तेल डालूँगी।
देखिए तेल मेरा गरम हो चुका है, कढ़ाई का भी और कुकर का भी। अब मैं इसमें तड़का लगाने के लिए पंचफोरन डालूंगी ग्रेवी बनाने के लिए, और यहाँ पर इसको भी फ्राई कर लूंगी। फोरन भुना के इसके बाद तेजपत्ता डालूंगी। तेजपत्ता डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन और मिर्चा को मैं ऐसे कूट ली हूँ, मैं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज और एक टमाटर है इसको भी मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी एक गरम मसाला, एक चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, एक चम्मच एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। सबको ऐसे अच्छे से मिला लूँगी। और देखिए एक ही मेरा भुना गया है। इसको मैं ऐसे निकाल दूँगी। इसको एकदम अच्छे से भून लेना है, एकदम सुनहरा। देखिए अच्छे से ऐसे भुना गया है। ये मैं प्याज को थोड़ा सा ही भूनी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिला लेना है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी ही डालना है, नहीं तो ज़्यादा पानी डालता है तो एकदम अच्छे से प्याज गलता नहीं है। अब इसको डालने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और दो सीटी मैं इसको लगाऊंगी, मतलब कि एकदम स्लो फ्लेम पर इसको दो सीटी लगा लेना है, तब अच्छे से प्याज गल जाएगा। दो सीटी ऐसे लगा लेना, दो सीटी लग गई थी। उसके बाद मैं इसको गैस निकाल कर निकाल दी हूँ। अब इसको देखिए इस तरह से कितना अच्छे से गल गया है। अब इसको मैं इसे कलछी से ऐसे अच्छे से मैश कर दूँगी, खूब अच्छे से मैश कर देना है। देखिए अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं इसको निकाल के जिस कढ़ाई में मैं फ्राई की थी उसमें इसको ग्रेवी को मैं डाल दूँगी। मुझे और पानी भी डालना है तो इसको मैं भूल कर इसी कढ़ाई में फिर मैं पानी को डालूंगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालना है। अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी अंडे को।
और गैस को मैं जला दी हूँ और इसको मैं पका लूँगी। 5 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगी। हाई फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ, हाई फ्लेम पर बनाना है, फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो देखिए अंडा पनीर मेरा बनके तैयार हो गया है, तो आप लोग भी आके खा लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।